Xiaomi का Redmi Note 5 Pro लॉन्च होने के इतने टाइम बाद भी आज भी लोग फ्लैश सेल में जाते हैं, आज भी लोग इस फ़ोन की प्री बुकिंग करवा रहे हैं, आज भी MI स्टोर में जाते हैं और आज भी ब्लैक मार्केटिंग में जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये फ़ोन नहीं मिल पा रहा है। और अब यहाँ पे Xiaomi कहता है कि हम इस फ़ोन की जो प्राइस है उसको बढ़ा रहे हैं, साथ ही जो आपकी MI 4 TV है उसकी प्राइस को भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों Xiaomi ने ऐसा कहा, क्या इसके पीछे असली रीज़न है, और साथ ही यहाँ पर इस फ़ोन की जो प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगी इसके बाद इस फ़ोन की इंडियन मार्केट में क्या वैल्यू रह जाएगी, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डालेंगे यहाँ पर प्रकाश। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज दिन में मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करा और यहां पे बताया कि हमारा जो Redmi Note 5 Pro है और हमारी जो Redmi 4 TV है हम इसके प्राइस को यहां पे बढ़ा रहे हैं, यानी कि Redmi Note 5 Pro पहले आपको मिलता था 14,000 में और अब से आपको मिलना शुरू होगा ये 15,000 में। साथ ही जो आपकी MI 4 TV है पहले आपको मिलती थी 40,000 में और अब आपको मिलनी शुरू होगी 45,000 में, यानी कि यहाँ पर प्राइजिंग में इंक्रीमेंट किया गया है। जॉब में तो नहीं होता, चलो फ़ोन में होगी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ रीज़न भी बताए हैं कि क्यों हम इस फ़ोन की जो प्राइस है उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि जब इन्होंने ये ट्वीट करा तो लोगों ने क्या कमेंट यहाँ पे इनके ट्वीट में करे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लोग यहाँ पर परेशान हैं, हैरान हैं, हक्के बक्के हैं और साथ यहाँ पर गुस्से में भी हैं कि क्यों भैया Xiaomi क्यों आप अपनी प्राइस को यहाँ पर बढ़ा रहे हो, आपका ये फ़ोन बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे मार्केट बना रहा था और अब इस टाइम पर जब बहुत सारे मैन्युफैक्चर आने वाले हैं, कुछ यहाँ पर आ चुके हैं जो कि इसी प्राइस रेंज में इसी स्पेस के साथ में या फिर इससे अच्छे स्पेस के साथ में अपना फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, इस टाइम पे अगर आप अपने फ़ोन की प्राइस बढ़ाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके मार्केटिंग में फ़र्क पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे इसकी प्राइस बढ़ाई गई। तो पहले रीज़न यहाँ पे बताया कि जो आपकी जो पीसीबी होती है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कि किसी भी डिवाइस का सबसे मेन पार्ट होता है, उसकी जो इनपुट ड्यूटी है ये इन्हें महंगी पड़ रही है। तो चलो ये बात हम मान लेते हैं कि हाँ आपको पीसीबी की जो इनपुट ड्यूटी है वो महंगी पड़ रही है, क्योंकि जो हमारा बजट लॉन्च हुआ था वहाँ पे कहा गया था कि आप अगर मोबाइल फ़ोन के कोई भी स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करते हो तो वहाँ पे आपको जो इनपुट ड्यूटी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आपको Redmi Note 5 Pro की पीसीबी ही महंगी पड़ रही है, बाकी फ़ोनों की पीसीबी महंगी नहीं पड़ रही है। चलो मान लेते हैं कि चलो बाकी फ़ोनों की पीसीबी महंगी नहीं पड़ रही है, लेकिन Redmi Note 5 Pro के केवल और केवल 4 GB और 64 GB वाले की ही पीसीबी महंगी पड़ रही है। जो यहाँ पे 6 GB और 64 GB है उसकी पीसीबी क्या आपको महंगी नहीं पड़ रही है, यहाँ पे आपको बता दूँ कि केवल और केवल 4 GB वाले वेरियंट की ही प्राइस को बढ़ाया गया है, 6 GB वाली जो प्राइस थी वो यहाँ पर वही रखा गया है। तो यहाँ पे देखो सीन क्या है कि सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि आपको जो 6G वाला वेरिएंट था यहाँ पे Xiaomi को भी पता है कि इसमें केवल और केवल हम 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके सिर्फ और सिर्फ 2 GB रैम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बाकी सारा हार्डवेयर सारा सॉफ्टवेयर हम बिल्कुल वही आपको इस फ़ोन के साथ दे रहे हैं जो कि 4G वाले के साथ में है, यानी कि 6G वाले से Xiaomi यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा कमा रही थी। अब यहाँ पे गलत बात है सही बात है ये आपके ऊपर है। साथ ही उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि हमारी जो इंडियन करेंसी है यानी कि रुपए वो यहाँ पे कम हो गया है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट से हमारे स्टोर से या फिर जहाँ से भी आप रेडमी का नोट 5 प्रो खरीदते हो, अगर आपने 14,000 में ख़रीदा है और वो 14,000 अगर जाते हैं चाइना के अंदर, चाइना की करेंसी में अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो वो 14,000 नहीं रहते हैं, उनकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है, यानी कि MI वर्क लॉस हो रहा है। यहाँ पर वो 14,000 का बेच रहे हैं लेकिन चाइना में जाके वो पैसे कम हो जा रहे हैं क्योंकि जो रुपये है उसकी प्राइस घट गई है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यार रुपए की प्राइस हर रोज यहां पे बढ़ती और घटती है, एक साल में कितनी बार रुपए ऊपर जाता है कितनी बार नीचे आता है ये यहां पे फिक्स नहीं है। तो क्या Xiaomi के Redmi Note 5 Pro के 4 GB वेरिएंट के लिए रुपए की कीमत घटी है, क्या Xiaomi के अदर फोन के लिए रुपए की कीमत नहीं घटी है? तो अगर आप आज के टाइम पे इस रीज़न की वजह से इस फ़ोन की प्राइस बढ़ा रहे हो तो क्या कल के टाइम पे अगर हमारा रुपया यहाँ पे हाई चले जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या आप अपने फ़ोन की प्राइस को कम करोगे? आप सभी को पता है इसकी प्राइस यहाँ पे कम नहीं होने वाली है, बट यहाँ पर ये रीज़न है। और साथ ही यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि Asus का Zenfone Max Pro लॉन्च हो गया है जो कि लगभग लगभग इसी सारे स्पेक्स के साथ में आता है, यहाँ पर कह लूँ कि कुछ इससे अच्छे भी एक्स्ट्रा स्पेक्स उस फ़ोन में दिए गए हैं। साथ ही अदर ब्रांड जो कंपनियाँ हैं वो भी Snapdragon 670 के साथ आने वाली हैं और इसी तरह के स्पेक के साथ में लॉन्च होंगे। अब जो Asus का फ़ोन है वो यहाँ पे 13,000 रुपये का है और Redmi Note 5 Pro यहाँ पे हो जाता है 15,000 रुपये का, जबकि Asus का जो 6G वाला वेरिएंट है वो आपको मिल रहा है 15,000 रुपये में और साथ ही अदर फ़ोन भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्राइस रेंज में Redmi का Note 5 Pro 2018 का टॉप सेलिंग स्मार्टफोन बन सकता है? आपकी जो भी राय है, आपके जो भी कमेंट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
नीचे मतलब कमेंट जो इस वीडियो के नीचे कमेंट है वहाँ पे बता सकते हो। साथ ही अगर आपको वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।